किसी भी भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए उसके व्याकरण की जानकारी होना अति आवश्यक है। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी में व्याकरण की शुरुआत 19वीं शताब्दी के आसपास हुई और बहुत सारे विद्वानों ने हिंदी के लिए नए नए नियम बनाए। उनमें जो सही प्रयास किए गए वे सरस्वती पत्रिका के माध्यम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किए। उन्होंने अपनी पत्रिका के माध्यम से व्याकरण के लेख लिखकर हिंदी को प्रांजल और शुद्ध करने का प्रयास किया। इस प्रकार हिंदी एक सही नियमों में बंधकर शुद्ध रूप में प्रस्तुत हुई। उसके बाद बहुत से विद्वानों ने हिंदी व्याकरण के लिए कार्य किए, किंतु वे इतने ज़्यादा उत्कृष्ट नहीं थे। और बाद में जो कामता प्रसाद गुरु और उनकी अगली पीढ़ी में किशोरीदास वाजपेयी ने व्याकरण के लिए काम किए, वे आज तक चले आ रहे हैं और उतना उत्कृष्ट और शुद्ध व्याकरण आज तक दूसरा कोई भी नहीं है। हिंदी के व्याकरण की जब बात की जाती है तो कामता प्रसाद गुरु का नाम उसमें सर्वोपरि आता है। उन्होंने अपने व्याकरण में वैज्ञानिक विश्लेषण कर भाषा को नियमों में बांधा और हिंदी लिखने का शुद्ध तरीका आम जनता को सुलभ कराया। आज के इस पाठ में हम कामता प्रसाद गुरु के व्याकरण के जो नियम हैं, जिन्होंने हिंदी को एक शुद्धता प्रदान की है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। गुरुजी की पुस्तक के कुछ अंश प्रस्तुत हैं। मनुष्य विचारशील प्राणी है और सम्मति और सूचना के लिए अपने विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों पर प्रकट करता है। वह दूसरों के विचार भी सुना करता है। इन विचारों को पूर्णता तथा स्पष्टता से प्रकट करने का साधन भाषा है। कुछ विचार इशारों से भी प्रकट किए जा सकते हैं, पर वे बहुधा अपूर्ण और अस्पष्ट रहते हैं। भाषा अनेक पूर्ण और स्पष्ट विचारों के मेल से बनती है और प्रत्येक पूर्ण विचार में कई भावनाएं रहती हैं। प्रत्येक पूर्ण विचार को वाक्य और भावना को शब्द कहते हैं। मोटे तौर पर वाक्य में कम से कम दो शब्द अवश्य होने चाहिए, नहीं तो पूरा विचार प्रकट नहीं हो सकता। राम आया, तुम चलो, वे आवेंगे, ये दो दो शब्दों के वाक्य हैं और उनमें एक पूरा विचार प्रकट होता है। जहाँ एक ही शब्द से पूरा विचार प्रकट हुआ दिखता है, वहाँ दूसरा शब्द लुप्त या छिपा रहता है। जैसे प्रणाम में प्रणाम है, क्या मतलब क्या है, चलो मतलब तुम चलो। अपने विचार प्रकट करते समय हम या तो कोई समाचार सुनाते हैं या प्रश्न पूछते हैं अथवा किसी से कुछ प्रार्थना करते हैं। इतना ही नहीं, हम इच्छा अथवा आशय भी प्रकट करते हैं। इस प्रकार हमारे विचार कई रूप धारण करते हैं और उनके अनुसार वाक्यों के भी कई भेद होते हैं। अर्थ के अनुसार वाक्य के मुख्यतः पांच प्रकार के भेद होते हैं। विधानार्थक वाक्य के द्वारा हम दूसरों को किसी बात की स्वीकृति या निषेध की सूचना देते हैं, जैसे आम मीठा है, कल रात को पानी गिरा, मेरा भाई काशी से आएगा, हम वहाँ नहीं थे, घर में कोई नहीं है। दूसरा प्रश्नवाचक वाक्य हो सकता है, जिसको कि प्रश्न करने से समझा जाता है, जैसे राम कहाँ है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे, मोहन कब आया था। तीसरा आज्ञार्थक वाक्य है, जिसका संबंध आज्ञा से है, अनुमति अथवा प्रार्थना से है, जैसे जाओ, मुझे आने दीजिए। इच्छाबोधक वाक्य जो होते हैं, उसमें इच्छा, आशीर्वाद या शाप का बोध होता है, जैसे नाथ मेरा बेटा मुझे मिल जाए, ईश्वर उनका भला करे, अन्यायी का नाश हो। इसी प्रकार विस्मयाधिबोधक वाक्य विस्मय, हर्ष, शोक आदि भाव सूचित करता है, जैसे यह चित्र कितना सुंदर है, भाई तुम कई वर्षों में मिले हो, वह मित्र के बिना रहेगा। वाक्य के सार्थक खंड करने से शब्द मिलते हैं। यदि हम शब्द के भी खंड करें तो हमें एक या अधिक छोटी से छोटी ध्वनि मिलेगी, जैसे जाओ में ज धन आ धन ओ, मोहन में मा धन ओ धन हा धन ना, और है में हा धन ए,
प्रत्येक छोटी ध्वनि को अक्षर कहते हैं और एक या अधिक अक्षर के मेल से शब्द बनता है, जैसे न से नहीं, घर, सड़क। इस प्रकार भाषा वाक्यों से, वाक्य शब्दों से और शब्द अक्षरों से बनाए जाते हैं। किसी भी भाषा का अध्ययन करने के लिए हमें उसके शब्दों और वाक्यों के रूपों तथा अर्थों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। किसी भाषा के अक्षरों, शब्दों, वाक्यों के रूपों, अर्थों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भाषा का व्याकरण पढ़ना चाहिए। व्याकरण वह विद्या है जिससे हम भाषा अर्थात अक्षर, शब्द और वाक्य की शुद्धता के लिए नियम सीखते हैं। प्रत्येक भाषा का व्याकरण होता है और उसमें उस भाषा की शुद्धता के नियम दिए रहते हैं। यदि हम अपनी मातृभाषा के सिवा कोई दूसरी भाषा सीखना चाहें तो हमें उस भाषा का व्याकरण भी सीखना चाहिए। भाषा के खंड होते हैं, जैसे अक्षर, शब्द और वाक्य। इनका अलग अलग विवेचन करने के लिए व्याकरण के तीन मुख्य विभाग किए जाते हैं, एक वर्ण विचार, दूसरा शब्द साधन और तीसरा वाक्य विन्यास। वर्ण विचार व्याकरण का वह विभाग है जिसमें अक्षरों का आकार, उच्चारण और उनके मिलने की रीति बताई जाती है। शब्द साधन व्याकरण के उस विभाग को कहते हैं जिसमें शब्दों के भेद, रूपांतरण और उसकी रचना के नियम लिखे जाते हैं। वाक्य विन्यास व्याकरण का वह विभाग है जिसमें शब्दों का परस्पर संबंध और उनसे वाक्य बनाने के नियम बताए जाते हैं। यह तो कामता प्रसाद गुरुजी के बारे में हमने जाना। दूसरे व्याकरणाचार्य किशोरीदास वाजपेयी हैं, उनका भी संक्षिप्त परिचय इस पाठ में हम जानेंगे। किशोरीदास वाजपेयी ने भी व्याकरण के लिए बहुत काम किया। उन्होंने सन 1924 से 1925 में हिंदी व्याकरण को परिष्कृत में करने में लगे व्याकरण संबंधी उनके लेख समसामयिक विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे। सन 1943 में उनका ब्रजभाषा का व्याकरण प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक द्वारा हिंदी के पाठकों को खड़ी बोली हिंदी के रूप एवं उसकी प्रकृति के बारे में अनेक सूचनाएं प्राप्त हुईं। वाजपेयी जी ने प्रचलित हिंदी व्याकरणों में पाई जाने वाली अनेक त्रुटियों की ओर इंगित भी किया। इनका ब्रजभाषा का व्याकरण ऐतिहासिक महत्व का एक ग्रंथ है। हिंदी व्याकरण के इतिहास में नवचेतना काल श्री वाजपेयी के नाम से ही प्रारंभ होता है। ब्रजभाषा हिंदी व्याकरण के बाद वाजपेयी जी ने हिंदी व्याकरण संबंधी पुस्तकें भी लिखीं, जिनमें राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण सन 1949 में जनवाणी प्रकाशन कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। यह व्याकरण सिद्धांततः संस्कृत और अंग्रेजी के आधार पर ना लिखा गया, वस्तुतः हिंदी के आधार पर लिखा गया है। इस दृष्टि से इसे हिंदी का अथवा राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण कहना सर्वथा उपयुक्त एवं संगत था। दूसरी उनकी पुस्तक हिंदी निरुक्त सन 1949 में ही जनवाणी प्रकाशन कलकत्ता से प्रकाशित हुई और इस ग्रंथ में मुख्यतः शब्दों के विकास की प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है। तीसरी पुस्तक हिंदी का शब्दानुशासन है और यह 1948 में नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी से प्रकाशित हुई। इस ग्रंथ में यह प्रदर्शित एवं प्रमाणित किया गया है कि हिंदी का विकास कितना स्वाभाविक एवं वैज्ञानिक है। यही इस ग्रंथ की मुख्य उपलब्धि है। इस ग्रंथ की भूमिका में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि वाजपेयी जी हिंदी की प्रकृति के सूक्ष्म निरीक्षक हैं। इस पुस्तक में उन्होंने हिंदी की प्रकृति का बड़ा अच्छा परिचय दिया है। मेरा विश्वास है कि इस पुस्तक से हिंदी व्याकरण को एक नई दिशा प्राप्त होगी। अभी तक जो व्याकरण लिखे गए हैं वे प्रयोग निर्देश तक ही सीमित थे। इस व्याकरण में पहली बार व्याकरण के तत्व दर्शन का स्वरूप स्पष्ट हुआ। दूसरी पुस्तक उनकी सरल शब्दानुशासन है। यह 1959 में नागरी प्रचारणी सभा
वाराणसी से प्रकाशित हुई। यह हिंदी का शब्दानुशासन का एक संक्षिप्त छात्रोपयोगी संस्करण है। अन्य पुस्तक भारतीय भाषा विज्ञान सन 1959 में चौखंभा विद्या भवन वाराणसी से प्रकाशित हुई। इसके अतिरिक्त श्री किशोरीदास वाजपेयी जी ने हिंदी व्याकरण संबंधी कई अन्य पुस्तकें लिखीं और हिंदी व्याकरण और भाषा के साहित्य में उल्लेखनीय अभिवृद्धि की। उनके व्याकरण के अतिरिक्त अन्य विषयों से संबंधित पुस्तकें भी मिलती हैं, जिनमें प्रमुख साहित्य जीवन के अनुभव और संस्मरण, काव्य में रहस्यवाद, संस्कृति के 5 अध्याय, मानव धर्म मीमांसा, हिंदी और शब्दानुशासन और सुभाष चंद्र बोस है। भाषाविद भोलानाथ तिवारी का अभिमत है कि भाषा अध्ययन की प्राचीन परंपरा मुख्यतः प्रतिशाख, शिक्षा ग्रंथ, पाणिनि, पतंजलि तथा भर्तृहरि तथा भाषा अध्ययन की पश्चिमी परंपरा, इसका संबंध मुख्यतः इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका तथा रूस से है। आधुनिक भारतीय भाषा विज्ञान के क्षेत्र में जो अब तक काम हुए हैं उसे देखते हुए 4 धाराओं का संकेत दिया जा सकता है। प्रथम भारतीय शास्त्रीय धारा मुख्यतः प्राचीन भारतीय परंपरा से संबद्ध है। इसके सबसे सजग और सशक्त व्याख्याता आचार्य किशोरी प्रसाद वाजपेयी हैं और जो हिंदी शब्दानुशासन और भारतीय भाषा विज्ञान से स्पष्ट पता चलता है। वस्तुतः किशोरीदास वाजपेयी हिंदी साहित्य जगत के गौरव हैं। इस प्रकार हमने किशोरीदास वाजपेयी और कामता प्रसाद गुरु के व्याकरण के संबंधित पुस्तकों की जानकारी प्राप्त की। इसके बाद अन्य बहुत सारे व्याकरण लिखे गए और भाषा विज्ञान एक सतत अध्ययन के रूप में परंपरा में चल पड़ा है। यद्यपि भाषा विज्ञान अध्ययन का प्रारंभ महाविद्यालयों में भोलानाथ तिवारी से होता है, किंतु छुटपुट व्याकरण भी लिखे गए और जिन्होंने हिंदी को आधुनिक काल तक इस प्रकार ले आए हैं कि वह व्याकरण के बहुत से नियमों में परिवर्तन करते हुए आगे बढ़ती चली आ रही है, किंतु फिर भी कामता प्रसाद गुरु का व्याकरण और किशोरी प्रसाद वाजपेयी की व्याकरण के लिए किए गए प्रयास उल्लेखनीय हैं और आज भी कामता प्रसाद गुरु का नाम बड़े आदर के साथ हिंदी के व्याकरण जगत में लिया जाता है। उनकी पुस्तक के व्याकरण के आधार पर ही आगे की धारा व्याकरण को हिंदी से जोड़ती आई है और शुद्ध व्याकरण के रूप में जितना भी हमें प्राप्त होता है उसका बीज हमें कामता प्रसाद गुरु में ही प्राप्त होता है। आज तक वह धारा उसी तरह से अविरल रूप में प्रभावित होकर हिंदी को एक शुद्धता और प्रांजलता प्रदान कर रही है।